Hi guys, welcome from the city of Vancouver. इस वीडियो में बात करेंगे how I went from hating meditation to absolutely falling in love with it. So what are we waiting for? Let's get started. सबसे पहले बात करते हैं hating meditation phase के बारे में. इस phase में I would sit down, try to meditate, and all I could think about was कि मुझे क्या काम करने हैं, task, to-do task, responsibilities, इनके बारे में ही सोचती रहती थी मैं पूरा टाइम मेडिटेशन करते हुए. आधा घंटा ख़त्म हो जाता था मेडिटेशन का और पता ही नहीं चलता था कि मेडिटेशन कर भी रही थी. आई वुड एक्चुअली गेट अप एंड थिंक कि क्या मैं मेडिटेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कुछ मेडिटेशन जैसा कुछ किया भी है मैंने. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. ये बहुत ही फनी स्टेज थी एंड आई कॉल दिस स्टेज द टू डू मेडिटेशन स्टेज. इसमें आप सारे टास्क के बारे में सोचते हो कि आपको क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट यू आर यूज्ड टू डूइंग. आप काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतने घिरे हुए हो कि मेडिटेशन के टाइम पर भी वही आपके दिमाग में आता है. इससे जो नेक्स्ट स्टेज थी वो सबसे चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसमें आपको अपने अंदर के शैतान को, अपने अंदर के डीमन को फेस करना पड़ता है. कौन है वो डीमन? वो डीमन आपका खुद का दिमाग, आपकी खुद की थॉट्स हैं जो आपको हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो, नेगेटिव बातें, लोगों के बारे में गलत बातें बोल के बताती रहती है. पर अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो बहुत आसान है इस आवाज़ से भागना, क्योंकि आप कुछ करने लग जाते हो तो आप लॉस्ट हो जाते हो उस काम में, तो ये आवाज़ चुप हो जाती है. बट अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आप कोई काम तो कर नहीं सकते, यू हैव टू फेस इट. तो ये जो है पूरी एंटायर मेडिटेशन जर्नी का सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज यही था, क्योंकि आप दूसरों की आवाज़ को चुप कराना बहुत आसान है, बट खुद के अंदर की नेगेटिव आवाज़, इस शैतान को चुप कराना सबसे मुश्किल है. बट सबसे बड़ी जीत भी यही है. तो मैंने ऑनलाइन जब रिसर्च किया और देखा कि लोगों ने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया है, तो एक चीज़ जो बार बार सामने आई वो ये थी कि इसको रेजिस्ट नहीं करना है, इससे भागना नहीं है, आपको इसको हेड ऑन फेस करना है. अब इसको आप अगर फेस करोगे तो इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, बट अगर आप इससे भागोगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी. तो मैंने ये सजेशन मैंने लिया और मैं मेडिटेट करने बैठती थी, और मुझे पता था कि मेरा माइंड अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही हॉरिबल गंदी सी मूवी चलाएगा और मुझे उसको सिर्फ देखना है. मतलब एक गंदी सी मूवी की टिकट लेके चुपचाप बैठ के उसको देखना है और छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना. क्योंकि मैं बहुत बार इस आवाज़ से हार के मेडिटेशन गिव अप कर देती थी, बट अब मैंने ये सोच लिया था कि अब मैंने गिव अप नहीं करना है. इस मेडिटेशन के टाइम पे चाहिए माइंड कितने ही गंदे थॉट्स थे, बट मुझे उनको देखना है, गिव अप नहीं करना. एंड आई थिंक शुरू के 2-3 सेशंस बहुत मुश्किल थे, बट उसके बाद जब एक बार इस माइंड को समझ में आ गया कि शी इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, अब मैं जितनी भी नेगेटिव बातें कहूँ ये नहीं खड़ी होगी और ना ही ये मुझे रेजिस्ट कर रही है, तो When you stop resisting it, इसकी पावर ही ख़त्म हो जाती है. तो इसकी पावर ख़त्म हो गई तो आप जीत गए, और ये सबसे बड़ी विन थी मेरे लिए इस पूरी जर्नी में. जब इस शैतान को मैंने ओवरकम कर लिया, जब इसकी आवाज़, इसकी नेगेटिव बातें, इसकी नेगेटिव थॉट्स का मेरे पे कोई असर नहीं होता था, वो सबसे बड़ी विन थी. इसके बाद, इस विन के बाद ही मैंने लविंग मेडिटेशन फेज में एंटर किया. और इसमें सबसे पहली जो स्टेज थी वो ये थी जब मैं अपनी ब्रीदिंग पे, जो आपको गुरुज सिखाते हैं मेडिटेशन गुरुज, कि आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आप प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है. अब मैं चाहे कुछ मिनट के लिए सही अपनी ब्रीदिंग पे अपना ध्यान लेके आ पाती थी, पर वो ड्यूरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया. एक मिनट से शुरू होके 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता गया. और अब मुझे वो पीस महसूस होने लगा. अब मुझे समझ में आने लगा कि लोग मेडिटेट करने के लिए क्यों कहते हैं, कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे अवेयरनेस लेके आने से ही बहुत पीसफुल महसूस होता है. एंड दैट इज़ अ बिग विन फॉर यू. तो ये जो था फर्स्ट स्टेज था जिसमें आई कुड कॉन्शियसली पुट माई अटेंशन टू माई ब्रीदिंग. जो इसके बाद की स्टेज थी वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मिराकुलस थी, क्योंकि ये जो स्टेज थी वो थी अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करने की स्टेज. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी बॉडी के बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हो. आप अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी के बाहर लेके जा सकते हो.
बेसिकली ये जो पहाड़ है पीछे पानी है, अगर मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि ये मेरा ही पार्ट है, ये मेरा ही हिस्सा है, तो वो जो स्टेज है ये बहुत मुश्किल है अचीव करना, बट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मिराकुलस है। इस स्टेज में आपको लगता है, आपको एक्चुअली में बेनिफिट्स महसूस होने लगते हैं मेडिटेशन के, आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ फीडिंग योर सोल। मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने सोल को एक सब्जी की महक से कंपेयर किया था। दैट वॉज द ईजिएस्ट वे आई कुड एक्सप्लेन वट सोल इज़। एक्सपैंडिंग योर अवेयरनेस का मतलब है कि अगर आपको उस अरोमा को, उस सुगंध को बढ़ाना है अपनी बॉडी के बियॉन्ड, तो आप कैसे करोगे? और जब आपको वो ट्रिक आ जाती है ना, वही है मेडिटेशन का, एटलीस्ट मेरे लिए वो अल्टीमेट स्टेज थी मेडिटेशन की, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि आपकी सोल को कोई एनर्जी दे रहा है, आपको इंस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी महसूस होता है। अब समझ में आता है कि मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों करनी चाहिए। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम हेटिंग मेडिटेशन टू लविंग मेडिटेशन। अगर आप अभी इस हेटिंग मेडिटेशन के फेज में स्टक हैं, विच आई होप यू आर नॉट, तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप बस चलते रहिए, जस्ट कीप मूविंग, जस्ट कीप गोइंग, इट गेट्स ईजियर। मेरे को अगर लूपस डायग्नोस नहीं हुआ होता और अगर मेरे लिए मेडिटेशन सिर्फ एक टास्क होता या हैबिट होती या फिर ऑप्शन होता, तो मैं शायद हेटिंग मेडिटेशन के फेज में उसको क्विट कर देती। बट अब मुझे अपनी मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना था और मेडिटेशन मेरे लिए प्रायोरिटी थी, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर पाई। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेडिटेशंस बहुत अमेजिंग है, बहुत हेल्पफुल है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी मेडिटेशंस जो हैं वो ऐड कर दूंगी ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें और देखिए अगर आपको पसंद आती हैं तो। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड I'll talk to you soon. This is Xenia Mehta signing off. Bye-bye.